सारे भाई जनाब मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टाफ अफ जयसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। रोहतक में आ रहा हूं एक बड़े सारे मॉल के आगे, नाम के है कार्निवाल। चलो एक एक्सपेरिमेंट करके देखा यार, और वो एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेस होता है, सफल होता है, तो उस पर हम आगे काम करेंगे। और पता नहीं कितने लोगों को पसंद आओगा, पता नहीं कितने लोग इस बारे में अजीब अजीब सा सोचेंगे। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि इस बारे में कुछ सोचा जाए, और इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ अवेयरनेस है और कुछ ना कुछ लोग इस बारे में सोचें। तो मेरा भाई मेरे साथ है, और ये कैमरे ने लोगों के रखेगा, यूँ थोड़ा सा जुगाड़ सा बना रखा है। अब कुछ इस मॉल के आगे परली साइड एक महिला अपने दो छोटी छोटी लड़कियों के साथ बैठी है और बिस्किट बेच रही है। मैं आधे घंटे से सामने से देख रहा था, एक आदमी ने भी बिस्कुट नहीं खरीदा। अगर हमारा एक्सपेरिमेंट सफल होता है तो शायद समाज में भी अवेयरनेस आएगी और सब कुछ होगा। देखते हैं यार, आ जाओ। जी बिस्कुट बिक जाए वहाँ आपके? दो पेटी दो तीन दिन में। और क्या? कितना बचता है इसमें फिर? क्या बचेगा, ऐसे तो 70 का आती है तो 15 रुपया बचता, ना तो साल में लेती है 5 रुपया बचता है बस। अच्छा, गुजारा कुछ नहीं होता फिर इसमें तो? क्या करे, कोई भैया आता 50, कोई 100, कोई 10-20, कोई देख चला जाता, इसमें बचता है कुछ भी नहीं, ऐसे मांगने खाने से अच्छा है। देखो भाई बात तो सही है, मांगो। अरे कितने का है बिस्कुट का पैकेट? ऐसे तो 60 रुपया में बिकता है, हम 70 के बेचते हैं। अच्छा 60 में बिकता है, आप 70 में बेचते हो। हाँ। कितने इसमें पैकेट? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12। अच्छा 10 रुपये 70 में बेच देते हो आप इसे? हाँ 70 में ले लेते हैं। 5 रुपये वाला 12 रुपये 60 में बिकता है। स्कूल में जाती है गुड़िया तू? स्कूल में जाता है? बेचते हैं स्कूल में इनको? नहीं यहाँ कहाँ देते, गांव रहता तो जाते, यहाँ नहीं जाते। अच्छा, तो रोज का कितना बचा लेते हो? 20-30-50 रुपये? हाँ 100-150 बच जाते हैं। इनके पापा क्या काम करते हैं? मैं करती हूं। हैं? नहीं करती है वो काम। इनके पापा कोई काम नहीं करते? अच्छा, तो फिर गुजारा कैसे होता है? बस यही बेचते हैं, कोई अपन जो मर्जी आटा कोई दे देते, कोई चावल दे देते। लोग आटा चावल दे देते हैं, काम हो जाता है। पास रहता था पिन दे देते था। हैं? होल के पास रहता था पिन दे देते था। अच्छा ओके। देखो ज्यादा तो नहीं, उस दिन हमने कुछ एक कपड़े थे हमारे पास, हमने वो दिए थे। अच्छा। और जितने बिस्कुट थे वो लिए थे इनसे। तो पर एक शर्त पे लिए थे कि हम और भी लोगों को भेजेंगे कि आप बेच के ही कमाओगे, कहीं कुछ भीख नहीं मांगोगे। तो ना मैं गारंटी दी थी कि हम कभी ना मंदिर के आगे बैठेंगे ना भीख मांगेंगे, हम किसी ना किसी को भेज देते हैं ओके बिस्कुट लेने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। उस दिन तो हम जितने थे इनके पास वो ले लिए थे हमने, क्योंकि हमने अगले दिन बांटने थे ब्लड कैंप में, हमारे साथी का जन्मदिन था। तो हम कुछ और बांटने की जगह हमने कोशिश किया कि ये बांटे तो लोगों को भी खाते हुए अच्छा लगेगा, इनको भी देते हुए अच्छा लगेगा। सही बात है। चलो फिर ये तो दे दो मेरे को बिस्कुट जी। 100 वाला पैकेट है क्या इसमें कोई? 100 रुपये वाला दे दो फिर मेरे से कोई। 100 रुपये वाला है। ये ले लेता हूँ मैं। दो ले लो। ये पकड़ो आप। ठीक है जी। और 30 रुपये आप बचेंगे। 35 का और कुछ दे दो, और कोई बिस्कुट का पैकेट दे दो। ये कितने का है? ये भी खुला है। खुला दे दे, गिन के दे। गिन के दे दे मेरी। 30 में कितना पैकेट आएगा बताओ? 6 पैकेट आएगा। वाह भाई वाह, गिनती पूरी है तेरी। बोलो कितनी है? अच्छा चल इसको यहीं रख ले, मैं बाद में ले जाऊंगा पोलोथीन में। ठीक है, ये ले जाता हूँ अभी मैं। ठीक है, बाद में ले जाऊंगा जी। ये
ठीक है भाई, आ जाऊंगा मैं थोड़ी देर में, ठीक है। अगर आपके पास समय हो जी, तब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है, बाकी दोबारा तो कौन जाएगा यार। अब सोचेंगे यार, तू 30 रुपये दे आया यार, 100-100 रुपये टिप भी तो दे दे होटल में, तो कोई बड़ा सा फ़र्क नहीं है। हाँ, किसी का परिवार चला है, परिवार बड़ा है तो अच्छी बात है, और बाकी तो एक्सपेरिमेंट है यार, देखते हैं ऐसे ऐसी वीडियो से फ़र्क कितना पड़ेगा। आज बनाई है, फिर आगे देखेंगे, आगे देखेंगे और आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।